forget to like and subscribe my channel for more videos. How do you all like my video? Subscribe. वेलकम बैक टू माई चैनल। ये जो कॉलीफ्लावर के सीड्स हैं ये मैंने ऑनलाइन बाय किए थे और इसकी मुझे फर्स्ट टाइम अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं हुई थी, लेकिन इस टाइम मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है कॉलीफ्लावर की, क्योंकि और ये बीज मैंने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर बोए थे। उसके बाद मैंने ये ग्रो बैग्स में सारे कॉलीफ्लावर के सीड्स बोए हैं। उसके बाद जो ये मैंने रेडिश बोई है ये भी मैंने ऑनलाइन सीड्स बाय किए थे और इस बार मुझे रेडिश की भी अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है, आप सभी देख सकते हैं। और मैंने इसमें सभी चीज़ लगा रखी है मैक्सिमम, और लेकिन इस बार मैंने कॉलीफ्लावर ज़्यादा लगाई है, आप सभी देख सकते हैं। और अगर आप इसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हैं कि मैंने बीज कहाँ से ख़रीदे, कैसे बोए, इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र डाले हैं, ये सब मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाले हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपको ये पूरी जानकारी दे सकूं कि ये मैंने किस तरीके से बोए हैं या किस तरीके से मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। If you like my video, so don't forget to like and subscribe my channel for more videos. Thank you for watching.